Jahing student, welcome to biology class. so, student, in this lecture, we will discuss some more classification of flowers. how flowers are classified? one, one order we have studied that the flower is termed as complete and incomplete on the basis of presence of whorls. if all the four whorls, that is sepal, petal, stamen, and gynecium, all are present, then the flower is termed as complete flower. If any of one whorl is missing, then flower is termed as incomplete flower. Now let's see uh, some more classification how flowers are divided. So, uh, as you all know, flower is the reproductive uh, part of angiospermic plant for sexual means of reproduction. And a typical flower has four whorls, and these are arranged on the swollen. स्वेल एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल जिसको थैलेमस कहते हैं एंड दीज वर्ल्स आर केलिक्स कॉरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम नाउ वॉट हैपेन वेन अ फ्लार वेन अ फ्लार हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मीन्स मेल और फीमेल पार्ट अगर किसी फ्लार में दोनों मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हैं एक ही फ्लार में फॉर एग्जाम्पल हेबिस्कस चाइना रोज गुड़हल जिसको बोलते हैं कॉमनली उसमें आपने देखा होगा कि मेल और फीमेल पार्ट जो हैं दोनों ही एक साथ एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं सो सच फ्लावर्स आर नोन एज यूनिसेक्चुअल फ्लावर बट इफ़ द फ्लावर हैव ईदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम मीन्स या तो फीमेल पार्ट है या फिर मेल पार्ट है देन दैट फ्लावर इज नोन एज यूनीचुअल फ्लावर ओके यूनी फॉर 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 एग्जाम्पल आपका जो है कुकुरबिटा दैट इज पम्पकेन ओके ये सब यूनीक्चुअल फ्लावर्स के कैटेगरी में आते हैं कुकुम्बर इसमें क्या होता है मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो अलग अलग होते हैं ओके okay? सेपरेटली होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल दे आर नॉट प्रजेंट इन अ सिंगल फ्लार नाउ दिस इज़ द वन दिस इज़ अनदर डिविज़न दैट वी हैव सीन ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नाओ फर्दर जो है द uh, फ्लार्स जो हैं दे कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी रेडिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ पासिंग थ्रू द थ्रू सेंटर द सीमिट्री ऑफ द फ्लार इज कॉल्ड एक्टिनोमोफिक ओके नाओ फ्लार्स में दो तरह की सिमिट्री पाई जाती है एक होती है रेडियल सिमिट्री एंड द अदर इज़ बाइोलेचरल सिमिट्री ना जो रेडियल सिमिट्री होती है दैट इज़ नोन एज एक्टिनोमोफिक उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमोफिक मीन्स अगर फ्लार को हम टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं किसी भी रेडियस से मीन्स किसी भी एंगल से सपोज फ्लार है कोई उसको हम दो पार्ट्स में किसी भी एंगल से डिवाइड कर सकते हैं विद डिफरेंट रेडियस दैन वॉट विल हैपन कि हमको आ, जो है सिमिट्री मिलेगी इक्वल पार्ट्स मिलेंगे हर पार्ट में सो सच टाइप ऑफ सिमिट्री इज़ नोन एज रेडियल सिमिट्री ठीक है जैसा कि आपने इफ़ यू रिमेंबर हमने एनिमल्स के केस में पढ़ा था सिलेंट्रेट्स के केस में पढ़ा था इकाइनो डरमेटा जिसमें रेडियल सिमिट्री पाई जाती है तो रेडियल सिमिट्री में सेंटर्स जो सेंटर होता है वहाँ से आप किस कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं जो कि उस सर्कल को दो पार्ट्स में सेंटर को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो ऑर्गेनिज्म को तो और इक्वल हमें दोनों तरफ हाफ्स मिलते हैं सच सिमिट्री इज़ नोन एज रेडियल सिमिट्री तो ऐसा ही फ्लार के भी केस में होता है और इसको हम एक्टिनो फ्लार को हम क्या बोलते हैं एक्टिनोमोफिक फ्लार सच फ्लार्स द फ्लार्स विच पॉजेज रेडियल सिमिट्री सच फ्लार्स आर नोन एज एक्टिनोमोफिक फ्लार फॉर एग्ज़ाम्पल मस्टर्ड धतूरा चिली ये जो प्लांट्स हैं इनमें रेडियल सिमिट्री मिलेगी लाइक like मस्टर्ड में इफ़ यू हैव सीन मस्टर्ड प्लांट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इसमें फ़ोर पेटल्स होते हैं फ़ोर सेपल्स होते हैं सो यू कैन ईजिली डिवाइड विद एनी एंगल हम किसी भी एंगल से इस फ्लार को डिवाइड करेंगे आपको हर जो इक्वल हाफ्स जो दो हाफ्स मिलेंगे दे विल बी इक्वल ओके

किसी भी तरीके से नहीं कोई भी लाइन से नहीं सिर्फ एक ही लाइन पास होगी जैसा कि आपने एनिमल के केस में बायोलेट्रल सिमिट्री पढ़ा था लाइक like ह्यूमंस को कहा जाता है ह्यूमंस बायोलेट्रल सिमिट्रिकल होते हैं क्योंकि अगर आप एक एक सेंटर लाइन से आप लाइन ड्रॉ करते हो ठीक है तो दो इक्वल हाफ्स आपको राइट और लेफ्ट इक्वल मिलेगा सो so, फ्लावर्स में भी अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं सेंटर से डिवाइडिंग राइट एंड लेफ़्ट सिमिलर पार्ट्स ओनली वन प्लन थ्रू वन प्लन सच टाइप ऑफ फ्लार्स आर नोन एज जाइगोमॉर्फिक फ्लार और जो सिमिट्री इनमें प्रजेंट होती है वो हम कह सकते हैं बायोलेट्रल सीमिट्री होती है ओके फॉर एग्ज़ाम्पल पी गुलमोहर केसिया ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिनमें बायोलेट्रल सिमिट्री हमें देखने को मिलती है कि क्योंकि इसमें जो आपके पेटल्स होते हैं ओके okay, पेटल्स जो होते हैं यू ऑल हैव सीन पी प्लांट पी प्लांट सबने देखा है पी प्लांट का फ्लावर भी जो होता है उसके अगर आप के पेटल्स को देखोगे तो वो जो है एक साइज़ के नहीं होते हैं फ्लावर्स के पेटल्स ठीक है एक बड़ा होता है फिर दो छोटे फिर दो और छोटे होते हैं सो देर इज़ अन सो यू कॉन्ट डिवाइड दैट फ्लार थ्रू एनी प्लेन ऐसा नहीं पॉसिबल है हम सिर्फ एक ही प्लेन से फ्लावर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर और सिमिट्री जो इनमें प्रेजेंट होती है दैट सिमिट्री इज नोन एज बायोलेटरल सिमिट्री ओके नाउ नाओ नाउ नेक्स्ट डिवीज़न हम पढ़ते हैं व्हेन द फ्लोरल अपेंडिजिज आर इन मल्टीपल ऑफ थ्री फोर और फाइव दे आर कॉल्ड ट्राइमेरिस मेरिज एंड पेंटामेरिस रिस्पेक्टिवली नाउ नाउ नेक्स्ट क्या है हम फ्लावर्स को जाइगोमॉर्फिक uh, और एक्टिनोमॉर्फिक भी बोलते हैं नाउ नेक्स्ट डिवीजन है कि जो अपनेडिजिस प्रेजेंट है मीन्स जो पेटल्स सेपल्स स्टेमस प्रेजेंट हैं फ्लार में वो किस किस मल्टीपल पे हैं मींस यहाँ कहने का क्या मतलब है सपोज़ हम मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड में फ़ोर के मल्टीपल्स में होते हैं फोर के मल्टीपल्स में क्या मतलब है फोर का मल्टीपल फोर सेपल फ़ोर पेटल्स एंड फोर स्टेमिन सो अगर इस तरह का फ्लावर है तो उसको हम बोलेंगे टेट्रामेरिस फ्लावर सपोज फ्लावर में थ्री के मल्टीपल्स में है दैट मीन्स थ्री सेपल थ्री पेटल्स एंड थ्री स्टेमिन देन सच फ्लावर इज नोन एज ट्राई मेरिस फ्लार एंड सिमिलरली पेंटामेरिस सो मल्टीपल्स में अगर फ्लोरल अपेंडिजिज़स प्रेजेंट हैं फ्लोरल अपेंडिजिज मीन्स जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो मल्टीपल्स में प्रेजेंट हैं तो हम अब ये मल्टीपल का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है मीन्स थ्री का सिक्स भी हो सकता है सपोज थ्री थ्री अगर सेपल्स हैं तो सिक्स पेटल्स भी हो सकते हैं पर मल्टीपल जो है वो थ्री का ही होना चाहिए ऐसे ही फोर है तो फोर uh, अगर पेटल्स हैं सेपल्स एट भी हो सकते हैं इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू बट मल्टीपल उसी नंबर का होना चाहिए सो सच टाइप ऑफ फ्लावर्स को फिर हम उसी मल्टीपल के अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं ट्राई टेट्रामेरस टेट्रामेरिस और पेंटामेरिस सो दिस टेट्रा जो है आपका मस्टर्ड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टट्रामेरिस फ्लावर ओके नाउ फ्लावर्स अब एक और भी देर इज़ अ वन मोर क्राइटेरिया ऑफ डिवाइडिंग द फ्लार ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैक्ट एंड इफ अ फ्लार हैज़ अ ब्रैक्ट देन दैट फ्लार इज़ नोन एज ब्रैक्टिएट एंड इफ फ्लार डज नॉट हैव अ ब्रैक्ट देन इट देन दैट फ्लार इज़ नोन एज ई ब्रैक्टिएट ओके अब हम ब्रैक्ट क्या होता है इसको समझ लेते हैं सपोज ब्रैक्ट क्या होता है यू ऑल हैव सीन हेबिस्कस फ्लावर ठीक है गुल्हड़ का फ्लार गुल्हड़ का फ्लावर सबने देखा है उस फ्लावर को आपने जब स्टडी किया है तो आपने देखा होगा सेप्पल्स होते हैं लेकिन सेप्पल्स के नीचे एक और लेयर भी होती है लीफी लेयर एक और लेयर होती है एंड इफ़ दैट लेयर इज़ प्रेजेंट तो हम बोलेंगे वो फ्लावर में ब्रैक्थ है और अगर वो लीफी लेयर नहीं प्रेजेंट है अपार्ट फ्रॉम सेप्पल्स सेप्पल्स के अलावा मीन जब आप फ्लावर को देखोगे तो सेपल के नीचे आपको एक और लेयर दिखेगी ग्रीन कलर यही लीफ uh, की लाइक like सेप्पल्स की तरह ही होगी बिल्कुल लेकिन एक और लेयर होगी तो वो ब्रैक्ट फ्लावर होगा हम बोलेंगे ब्रैक्टिएट और अगर वो एब्सेंट होगी तो वी विल से ई ब्रैक्टिएट सो इट इज़ वेरी रेयर जो ब्रैक्ट है ये बहुत कॉमन फीचर नहीं है बट दिस ई ब्रैक्टिएट इज़ वेरी कॉमन फीचर ठीक है विदाउट ब्रैक फ्लार ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में एज कम्पेयर टू ब्रैक्टिएट नाउ एक और चीज़ है लाइक अबाउट द अबाउट द पार्ट ऑफ द फ्लार दैट इज केलिक्स केलिक्स क्या होता है केलिक्स जो है वर्ल्ड जो पूरी होती है आउटर मोस्ट वर्ल्ड फ्लार की उसको केलिक्स बोलते हैं और उसका इंडिविजुअल यूनिट क्या कहलाता है मेम्बर्स क्या कहलाते हैं अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं कि सेप्पल्स या तो सारे फ्यूज हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे गैमोसिपैल्स और अगर सेप्पल्स मीन सेपल्स सब आपस में जुड़े हुए हैं अलग अलग नहीं हैं लेकिन अगर ये सब फ्री हैं देन वी विल से पॉलीसिपैल कंडीशन ओके सो दिस इज़ ऑल नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन के बारे में एंड ऑल्सो अबाउट द टाइप्स ऑफ ओवरी थैंक यू स्टूडेंट्स